बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ डेटा एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस यूनिट के हवाले से कि अगर लेट्स सपोज आपका कोई भी पर्सनल डेटा है, ठीक है, तो आपकी ये कोशिश होगी कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इसको एक्सेस ना कर पाए। तो आप कुछ जो है स्टेप्स लेते हो इस अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज आप ये देखोगे कि आप अपने डेटा को किसी अनऑथराइज या इलीगल पर्सन से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, और ये हम देखेंगे कि कौन कौन से डेटा को, मतलब जैसे डेटा फॉर एग्जांपल हैक हो जाता है या कुछ किसी का अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, तो ये किस तरह के, मतलब ये एथिकल इश्यूज में आता है कि क्या इसको मतलब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, आप अपनी जो है बुक का जो आपको सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स दिए गए हैं उसका आप पेज नंबर 74 अगर ओपन करें तो यहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कंप्यूटर आर ubiquitous and are widely used by people of almost all ages. We need to give our personal information to a computer. For example, while creating an email account, shopping online, visiting a hospital, or taking admission in a school, we expect that provided information will not be शेयर्ड विद अदर्स। यानी आप अगर लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेते हो, ठीक है, आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो उनको, तो आपकी ये कोशिश होती है कि जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, होप सो वो किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एथिक्स में आता है कि अगर आपके पास किसी का पर्सनल डेटा मौजूद है तो आप उसको किसी और के साथ शेयर मत करें। ठीक है, ये एथिकल इशूज में आता है, ये एथिक्स होते हैं कि आपको किसी का पर्सनल डेटा जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। तो हम आज देखते हैं कि एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी क्या होते हैं। तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे एथिकल इश्यू बताया गया है वो कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी है। ठीक है, तो ये क्या होता है कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, कि आप अपने डेटा को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्रोटेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन और योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड और इलीगल एक्सेस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियली ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करते हैं। टू कीप द डेटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज नीडेड Indeed, taking care of others. For example, if a bank shares the information about my banking transaction with my business competitors, then it can harm my business. Similarly, phone companies are supposed to keep the invoices and bills are confidential. Keeping privacy and confidentiality has become difficult in this era of computer and internet. Yani, let's suppose वही मैं आपको university की example देती हूँ कि अगर आप admission लेते हो, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी को अपना सारा डेटा प्रोवाइड कर दो। अब ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके डेटा को कॉन्फिडेंशियली जो है ना कीप करे, ताकि वो किसी और के साथ शेयर ना करे, इलीगल एक्सेस ना हो सके आपका डेटा। ठीक है, बाकी इस पॉइंट की रीडिंग आप लोगों ने खुद कर लेनी है, एग्जाम्पल्स दी हुई है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और बात कि जब लेट्स सपोज जैसे हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले रहे हैं कि आप अपना डेटा उनको प्रोवाइड करते हो, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो आपके डेटा को प्राइवेट रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। लेकिन अगर आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम ब्रीचेस द कॉन्फिडेंशियली ऑफ डेटा, यानी आपका डेटा लीक हो गया ना, ठीक है, आपने जिस कंपनी को प्रोवाइड किया था, ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया कि आपके डेटा को इलीगल यूज किया, शेयर कर दिया, ठीक है, तो इट मींस कि आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियली तो खत्म हो गई ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट आपके पास पायरेसी। पायरेसी क्या होती है, कोई भी डेटा है, ठीक है, उसकी इलीगल कॉपीज बनाना। लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई भी
आप मेरे पास आते होगे, मुझे ये बुक जो है सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बुक दे देती हूँ यूएसबी में डाल के। अब आप क्या करते हो कि आपके, मैंने तो आपको एक कॉपी दी ना, ठीक है, अब आपके पास और भी फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी ये बुक चाहिए, तो अब आपके एथिक्स क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले मुझसे पूछें कि क्या जो आपने बुक मुझे यूएसबी में दी है, क्या मैं उसको कॉपीज करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हूँ या नहीं। मतलब जो मेथड है वो तो यही है ना कि आप मुझसे पूछें, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे बगैर कॉपीज करके अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, ठीक है, तो वो इलीगल कॉपीज होंगी ना। आपने मुझसे नहीं पूछा, मेरा डेटा था, आपने मुझसे नहीं पूछा, आपने खुद से ही बगैर पूछे कॉपीज करके अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो वो इलीगल कॉपीज हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पायरेसी ऑफ डेटा। पायरेसी ऑफ डेटा क्या होती है कि मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ डेटा। It can be a book, software, movies, poetry, painting, house architecture or any other work protected by copyright law. ठीक है, इसको भी आपने स्टडी कर लेना है, यानी अगर एक आपके पास डेटा है, आपके आपको उसकी परमिशन है, लेकिन अगर कोई और बंदा आपसे डेटा मांगता है तो आप विदाउट परमिशन आप उसको भी डेटा दे देते हो, तो इट मीन्स कि आप इलीगल कॉपीज उसकी बना रहे हो, ठीक है। तो पायरेसी क्या होती है, पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्ट लिफ्टिंग, ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट लिफ्टिंग है बॉरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। अब सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होती है कि अगर लेट्स सपोज आपके किसी एक, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैंने आपको बुक दी थी, आपके फ्रेंड्स ने आपसे से मांगी तो आपने कॉपी करके उनको भी दे दी, तो ये सॉफ्ट लिफ्टिंग में भी वही आता है कि खामोशी से अपने कोलीग से कोई भी सॉफ्टवेयर पिक करो और उसकी कॉपीज बनाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्लाइंट सर्वर ओवर हाउस। लेट्स सपोज आप किसी इंटरनेट में कनेक्टेड हो, नेटवर्क में कनेक्टेड हो, ठीक है, एक सर्वर के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, तो आपको भी वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, सर्वर को, ये आपने सर्वर क्लाइंट मॉडल पढ़ा हुआ है कि सर्वर के पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे कि कोई सॉफ्टवेयर जो सर्वर के पास मौजूद है क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क लोडिंग। तो इसमें क्या होता है, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। वही जो मैंने बात की कि एक बुक मैंने आपको दी, आपको तो सिर्फ उस एक कॉपी की परमिशन दी है ना मैंने, लेकिन आप उसके आगे से मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो जिसकी परमिशन मैंने आपको नहीं दी, तो वो इलीगल कॉपीज है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर फाइटिंग डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट लॉ ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है। कॉपीराइट लॉ भी यही कहता है कि कोई भी डेटा है अगर आपके पास तो आप उसकी कॉपीज नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन आप कॉपीज उसकी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे उन सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है कि जो कॉपीराइट है, यानी जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, जिनकी परमिशन आपको नहीं दी गई कि आप उसकी कॉपीज बनाओ, फिर भी बगैर परमिशन के आप उसकी कॉपीज बना रहे हो, तो वो इलीगल कॉपीज के अंदर आएगा, उसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन पायरेसी टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर्ड टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। द कोर्ट आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ lawsuits concerning the protection of software, ठीक है। यानी ऑनलाइन आप कोई भी देखते हो, सॉफ्टवेयर देखते हो, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हो, तो ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉड एंड मिस यूज। फ्रॉड एंड मिस यूज क्या होता है कि लेट्स सपोज जो है आप फेसबुक यूज कर रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कोई वेबसाइट ऐसी आती है कि आप जो है इस वेबसाइट को ओपन करें, इसके ऊपर रजिस्टर हो तो आपको ये चीज़ दी जाएगी। जैसे आजकल तो टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं ना कि फलां कुरानदाजी के अंदर आपकी मतलब ये गाड़ी और इतने मनी आपकी आई है, निकली है, ठीक है, तो आप क्या करें, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आपको ये दे दिया जाएगा। तो आप एक्चुअली क्या करते हो, आप एक्चुअली क्या करते हो कि वहाँ पे अगर वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है,
तो वहां पे आप जाहिर सी बात है अपना जीमेल अकाउंट या कोई भी आपका ईमेल अकाउंट है वो डालोगे, साथ उसका पासवर्ड डालोगे, तो वहां से आपका जो पासवर्ड है वो मतलब वो हैक कर लेते हैं, आपका पासवर्ड जो है वो स्टोल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रॉड एंड मिस यूज है कि किसी भी कोई भी फ्रॉड करके आपसे आपका डेटा हैक करें और फिर उस डेटा का मिस यूज करें, ठीक है। तो ये है फ्रॉड एंड मिस यूज, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। अब लेट्स सपोज जैसे यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका थीसिस होता है, ठीक है, थीसिस या रिसर्च वर्क होता है उनका, तो जाहिर सी बात है वो हर कोई अपने अपने आइडिया के ऊपर काम कर रहा होता है। तो पेटेंट क्या होता है कि किसी आइडिया को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी रिसर्च वर्क पे कोई रिसर्च वर्क कर रही हूँ, मेरा अपना आइडिया है, ठीक है, लेट्स सपोज दो टॉपिक सेम आ जाते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट बंदों के पास दो सेम टॉपिक हैं, लेकिन हर एक का आइडिया तो डिफरेंट होगा ना, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है कि आइडिया को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई एक बंदा दूसरे बंदे का आइडिया हैक ना कर सके, ठीक है। तो पेटेंट में आइडिया को प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जांपल आप इसकी देख लीजिएगा, वही जो मैंने रिसर्च वर्क की एग्जांपल दी कि अगर दो लोगों के पास सेम टॉपिक है ताकि वो आइडिया जो है ना हैक ना हो जाए, तो वो पेटेंट में आता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट लॉ। तो कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट, एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। अब पेटेंट में क्या था कि आइडिया को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आइडिया को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कॉपीराइट में क्या है कि कोई भी आइडिया या कोई भी डेटा कॉपी नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन, ये आता है कॉपीराइट लॉ के अंदर, ठीक है। आप लोग अक्सर देखते हो कि आपकी बुक्स के ऊपर जो है ना कॉपीराइट की पिक्चर बनी हुई होती है, तो इट मींस के वो जो बुक है या वो जो बुक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कॉपीराइट है, आप उसकी जो है बगैर परमिशन के आप उसकी कॉपीज इलीगल कॉपीज नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इलीगल वे में आता है कॉपीराइट लॉ में। Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them. ठीक है, यानी जो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट हुए होते हैं हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है जाहिर सी बात है वो सेल करता है ना, सॉफ्टवेयर बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को सेल करता है, तो अगर उसकी इलीगल कॉपीज बनना शुरू हो जाएं तो वो फिर सॉफ्टवेयर सेल तो नहीं होगा ना, ठीक है, मतलब वो जो चाहते हैं जितनी अमाउंट अर्न करना चाहते हैं वो तो फिर उनसे नहीं होगी अगर इलीगल कॉपीज बनना शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट्स। तो कोई भी ट्रेड है तो उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कोई भी बिजनेस है या कोई भी बिजनेसमैन है उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट्स में क्या आता है कि सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के सीक्रेट्स को हैक ना कर ले। हो सकता है कि अगर वो सीक्रेट्स को हैक करे तो उसे कोई बेटर आइडिया मिल जाए, ठीक है, वो बेटर आइडिया जो किसी दूसरे बिजनेसमैन के पास था, तो जिसका वो आइडिया था उसको इतना फायदा हो ना हो, दूसरा जो उसका आइडिया हैक कर लेगा उसको तो फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट है सैबोटेज। Sabotage is a serious attack on computer systems. Some malicious user can attack the system while sitting remotely. जैसे आपने कंप्यूटर वायरस पढ़ा था कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई भी अननोन डेटा फाइल आ जाती है, कोई भी जंक ईमेल आ जाती है जिसको आप ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो वायरस होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, आपका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको वो करप्ट कर सकता है। तो सैबोटेज इसमें आता है कि कोई भी मतलब मिलिशियस अटैक अगर आपके कंप्यूटर या आपके डेटा के ऊपर होता है, सही है। अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस, ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो है वो हमेशा एक होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि नेगेटिव इंटेंशंस के साथ राइट किया जाता है ताकि वो किसी कंप्यूटर के अंदर जब इंस्टॉल हो जाए, उसको जब ओपन किया जाए तो वायरस एक्टिव हो, ठीक है। It can change, destroy information or sabotage a precious data. यानी वो precious data को corrupt भी कर सकता है या फिर delete या change भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये topic जो है ना end हो जाता है। Next
हम पढ़ेंगे सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, यानी हम अपने डेटा को सेफ गार्ड कैसे करेंगे। ठीक है, आप इन ये जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।